हेलो फ्रेंड, लीजन ऑफ शियानो एपिसोड 40 में आपका स्वागत है। जहां एपिसोड के शुरू में ये चैन को हर एक फ्लैशबैक याद आता है, लाइक कैसे उसके टीममेट्स को हराया गया एंड हैंग्यो सैक का भी मजाक बनाया गया एंड फाइनली वो शिव ये को मुंह के बल गिरा के थोड़ा हल्का फील करता है, क्योंकि इससे आगे बस हैंग्यो सैक मार खाते जा रहे थे एंड उतने में शिव ये फिर से खड़ा होता है और चिल्लाते आखिर ये सब कैसे हो रहा है एंड लोग भाग भी बातें करने लगते हैं, आखिर ये चैन सबसे वीक डिसाइबल में से एक है, आखिर वो कैसे ये सब कर रहा है। जहां मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपने तो एक बात सुना ही होगा, तेरी कह के लेंगे, ये यही हुआ, क्योंकि शिव ये उसका हर एक पैंतरा अजमाने लगता है। जो देख के ये चैन कहता है, तेरा इनविजिबल पावर हो या कोई और, मेरा तो कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा, बट मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और यस, ये चैन उसका हर एक इनविजिबल अटैक डॉच करता है, जो देख के हैंग्यो सीनियर मास्टर इवन ट्रू डिसाइपल सभी खुश होता है और शॉक्ड भी। और उतने में शिव ये इनविजिबल होके फाइनल स्ट्रॉन्ग अटैक परफॉर्म करने जा रहा था, जहां ये चैन उसका हाथ पकड़ के कहता है, ना मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं, और उसे पटक के पहला मैच हैंग्यो सैक का नाम कर लेता है, जिसे हैंग्यो सीनियर बहुत खुश होता है, बट चेंगुन बहुत ही डिप्रेस होता है। उतने में हैंग्यो फास्ट रूट डिसाइपल ये चैन को गले लगा के कहता है, ब्रदर तुम कमाल का हो, और तुम जिस हिसाब से लड़े हमारे हैंग्यो सैक को एक गर्भ में लेके गए। और तभी ये चैन मास्टर को रिस्पेक्ट करके कहता है, मैंने आपको डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं किया ना, जहां मास्टर शूनर स्माइल के साथ कहता है, नहीं, एंड ये चैन का एबिलिटी ऊपर मौजूद एल्डर भी देख लेती है और काफी इंप्रेस होती है। और अगर इतना दूर ये चैन का कारनामा आपको अच्छा लग रहा है तो रुको जरा और वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ब्रो ये चैन अभी घर में घुस के सबको रोस्ट करने जा रहे हैं। और उतने में झेंगयांग का डिसिपल जिसका नाम जोंग बाई ही है, वो ये चैन को चिल्ला के कहता है, वो बस एक मैच हुआ जिसमें तू लकी था, लेकिन नेक्स्ट राउंड अगर तेरा पाला मुझसे परा तो वो तेरा जिंदगी का आखिरी मैच होगा। जो सुन के ये चैन हंस के हैंडल करता है और आगे बढ़ता है। और फिर सीन चेंज होता है और सबको एक बार फिर से टोकन एक्सचेंज होता है एंड टोकन देख के जोंग बाई काफी खुश होता है, क्योंकि उसके ऑपोजिट में इस बार ये चैन जो है, जहाँ ये चैन भी उसका नाम देख के हंस के कहता है, चलो तेरा विश पूरा हो गया, बाकी मैदान में देख लेंगे। उतने में अनाउंस होता है नेक्स्ट बैटल हैंग्यो का ये चैन वर्सेज झेंगयांग का जोंग बाई के बीच होने वाला है। जो सुनके झेंगयांग डिसाइपल कहने लगते हैं, ये चैन का लक ओवर हो गया, जोंग बाई से लड़ना कोई मजाक की बात नहीं है। और दूसरे न्यूट्रल लोग सैड होता है कहके ये चैन को कुछ ज्यादा स्ट्रांग डिसाइपल मिला फाइट के लिए। और तभी जोंग बाई मैदान में आके ये चैन को बुलाता है और निडर ये चैन आगे बढ़ना लगता है। इतने में ये चैन के लिए फिकर करता हुआ मास्टर शूनर आके कहती है, ये चैन तुम ये लड़ाई मत लड़ो और इस बैटल से तुम्हारा नाम विड्रो कर लो। जोंग बाई काफी स्ट्रांग पर्सन है एंड मास्टर शूनर उसके लिए अनाउंस करने ही जाती है, तभी ये चैन पीछे से कूद के स्टेज पर पहुंच जाता है। वंस अगेन मास्टर शूनर ये चैन के लिए स्टेज तक जाने के लिए रेडी होती है, लेकिन तभी हैंग्यो सीनियर कहता है, जूनियर सिस्टर नहीं, और तभी मास्टर शूनर रुक जाती है एंड उसके बाद जोंग बाई ये चैन को बुरा भला कहने लगता है, जो सुनने का मूड पे ये चैन बिल्कुल भी नहीं था, जिसके कारण वो तुरंत अटैक करता है, बट उसे बाई का कुछ भी नहीं होता, उल्टा बाई का एक अटैक से ये चैन पीछे पुश होता है, बट ये चैन भी भूल के माफी गुस्से से आगे बढ़ता है और बाई का पीछे जाके बैनली पाम से अटैक करता है, जहां वंस अगेन उसका कुछ नहीं होता और बाई ही यहाँ पे ये चैन पर भारी पड़ता है। देन ये चैन फायर एक्टिव करके एक बार फिर से जोंग से फिर जाता है, जहां दोनों के बीच तगड़ा हैंड टू हैंड फाइट शुरू होता है। मजे की बात, ये चैन का एक भी मुक्का उसका फेस से कहीं नहीं पड़ता और उसके मुंह से खून भी निकल आते हैं, जो देख के सब कहने लगता है, ये चैन इतना पावरफुल है। तभी जोंग बाई ये चैन को कहता है, तू मुझे यहाँ तक लाने के लिए मजबूर कर दिया एंड बाई परफॉर्म सीक्रेट टेक्निक ऑफ क्लोन एंड वो उसमें मास्टर भी हो गया, क्योंकि मास्टर शूनर वो देख के हमें बताती है कि वो इसमें मास्टर हो गया
गया, तभी बाई ये चैन को कुछ अटैक करता है जिससे ये चैन का मुंह में से खून निकल आती है और उसका हालत भी खराब होता है। और वो देख के बाई कहता है, डिसेंट हार चाहिए तो अभी भी हार मान के यहाँ से निकल जा, नहीं तो तू मरेगा। जो देखकर हर कोई जो ये चैन से टच में है वो ये चैन का फिक्र करता है, स्पेशली मास्टर सुनर, जहाँ सीनियर सुनर को घोसला देते हुए कहता है। हालांकि बाई के पास सीक्रेट टेक्निक ऑफ क्लोन है जो मरने पर भी वापस आ जा रहा है, जिससे उसे अनलिमिटेड लाइफ मिल रहा है। अगर उसका एनर्जी खत्म हो जाए तो एक मौका है उसे हराने का। और ये चैन बहुत से क्लोन को मारता भी है, बट एक एक क्लोन वापस आ जाता है, जिसे बाई ये चैन को और चिराने लगता है। तभी ये चैन के बॉडी में से ऑरा निकलने लगता है, जो आप देख सकते हो, और वो ड्रैगन वाला इंसिडेंट याद करते हैं जहां उसका क्लोन छोड़ के वो आया है, जहां से उसका क्लोन बेहिसाब एनर्जी भी कंज्यूम करते जा रहा है, जो याद करके वो कहता है, तेरे पास नहीं है बल्कि मेरे पास है असली पावर, जो कभी भी कमी नहीं होने वाला अभी के लिए। और उतने में वो एनर्जी को लेके रैम्पेज मूड पर चला जाता है और हर एक क्लोन को वो परमानेंटली ऑफ करते जाते हैं, जो देखने के बाद देखने वाले लोग कहने लगते हैं, हम अभी तक प्रेडिक्ट नहीं कर पाए आखिर इस मैच में कौन जीतेगा। बहुत जने ये चैन का नाम लेता है ये कह के अभी तक ये चैन टिका हुआ है और वो जिस लेवल पर लड़ाई कर रहा है वो ही जीत सकता है। तभी ये चैन क्लोन के साथ जेंगियो का चोंग बाईयो को भी एकदम मुंह के बल गिरा के कंपटीशन खुद के नाम करते हैं, जहां एक बार सभी कहने लगते हैं, शिवयू का हराया माना वो कोइंसिडेंस था, बट ये भी कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये चैन सच में पावरफुल बंदा है। और उसके बाद ये चैन जेंगियो को चिराने लगते है जैसे उन्होंने पहले ये चैन के साथ किया, और वो कहने लगते हैं, मुझ पे ब्लेम कभी भी मत करना, खुद के सैक पे डालो ब्लेम, मुझ पे नहीं, अगर किसी को आजमाना है मुझे तो आ जाओ। और वो पीछे मुड़ के आगे बढ़ने लगता है। उस बात से चैंगकुन बहुत ही गुस्सा होता है। उतने में झेंगियांग का एक डिसाइपल शॉर्ट लेके ये चैन को पीछे से हमला कर देता है, जहां ये चैन मुड़ के उसका गला पकड़ लेता है, जो देख के झेंगियांग का चैंगकुन बहुत नाखुश होता है और ये चैन को मारने के लिए वो कुर्सी से उठ जाता है, जहां सीनियर और शूनर दोनों उसका कह के लेते हैं, क्योंकि रूल उन लोगों ने तोड़ा और उस हिसाब से ये चैन जो चाहे उनके साथ कर सकता है। और धीरे धीरे सभी बड़े हाउस से लेकर आम ऑडियंस कहने लगते हैं, गलती झेंगियांग का ही है। उतने में एल्डर के कहने पर झेंगकुन समझौते पर उतर आते हैं। ये चैन से पूछता है, तुझे क्या चाहिए, जा ये चैन कहता है, बस कुछ पैसे दे दो और मैं इसे छोड़ देता हूँ। और ये चैन उस बंदे का गला ऐसे पकड़ा हुआ है मानो कि वो उसे मारने ही वाला है, और वो सच में मरने की कागार पर पहुंच चुका था। देन झेंगकुन को समझौता ना चाहते हुए भी करना पड़ा, बट पैसे मिलने पर भी झेंगियांग चैक को ये चैन नहीं छोड़ता, क्योंकि वो सीधा कहता है, झेंगियांग डिसाइपल का कीमत बस इतना है, एक पोटली कॉइन, और हंसते हैं, जिस बात से सभी हंसने लगता है। यार ये एकदम प्रूव कर दिया कि झेंगियांग सैक के डिसाइपल को उन लोगों को कोई परवाह भी नहीं है। तभी ये चैन अपने टीममेट्स के पास आते हैं, जहां सभी उसे एक वार्म हग दे के वेलकम करता है। और ये चैन एक बार फिर से मास्टर सुनार को देख के कहती है, मास्टर आपके रिस्पेक्ट, और कहती है, मैंने आपको निराशा तो नहीं किया। जहां सुनार एक स्माइल देती है, क्योंकि सम एक्शन मेक्स मोर सेंस देन बॉय। और उसके बाद फाइट अनाउंस होता है जो नेंगशुआन और थर्ड सेक का एक स्ट्रॉन्ग डिसाइपल के बीच, जो हमें इसीलिए दिखाया गया ताकि हमें फिर से महसूस हो सके कि जी नेंगशुआन सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन है और झेंगियांग सेक सबसे आगे है। एंड फाइट शुरू होने से पहले ऊपर एल्डर एक दूसरे से बातें करता है, जहां मेल एल्डर कहता है, ये लड़का स्ट्रॉन्ग है सो वो कम से कम 10 राउंड तो टिकेगा ही। तभी फीमेल एल्डर कहती है, तुम गलत हो, वो 3 राउंड भी नहीं टिक पाएगा। एंड वैसे ही होता है, जहां न्यूशन म्यूजिकल आर्ट्स लेके बैठ जाती है और वो बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक परफॉर्म करके जिंगशुआन को अटैक करने के लिए आते हैं, बट जी निंगशुआंग के आगे उसका एक ना चला, जिसके साथ झेंगियांग सैक का निंगशुआंग एक और मैच जीत गया, जिससे सब डरने लगे आखिर उसे कैसे हराया जाए, स्पेशली ये चैन। और झेंगकुन एविल स्माइल देता है ये जताने के लिए कि झेंगियांग के आगे यहाँ पे और कोई नहीं, और मैं यह श्योर हूँ और मैं कहना चाहता हूँ इसका यह घमंड जल्दी टूटने वाला है और तोड़ेगा कौन, ये चैन, उसमें कोई डाउट नहीं। बट अभी के लिए बाय, क्योंकि ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।